in this session we are going to see how to deploy forwarder cluster. Okay, so to deploy the forwarder cluster मैंने AWS पे तीन instance बनाए हैं, Splunk deployer server, universal forwarder 1 and the universal forwarder 2. So basically हमारा forwarder का काम क्या होता है, सिर्फ data को forward करना. सो हमें अलग से फॉरवर्डर को इंस्टॉल करना पड़ता है डिफरेंट इंस्टांस पे, ठीक है. और ये मेरा सर्वर रहेगा, यहाँ पे मुझे रिसीवर को सेट करना है, ठीक है. तो ये मैंने तीनों मशीन AWS पे बनाई हैं. आप वर्चुअल बॉक्स या VMware पे भी ये कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है. नाउ सबसे पहले यहाँ पे ये जो स्प्लंक डिप्लॉयर सर्वर है इस पर मैंने स्प्लंक इंस्टॉल किया हुआ है. सो लेट मी शो यू. और हमारा जो स्प्लंक इंस्टॉल है अभी हम इसमें रिसीवर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ठीक है. तो रिसीवर को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेटिंग पे जाना है. सेटिंग पे जाने के बाद फॉरवर्डिंग एंड रिसीविंग, ये जो डेटा के नीचे है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे. ओके, सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें, ठीक है, यहाँ पे रिसीविंग डेटा पे जाना है. रिसीविंग डेटा पे जाने के बाद यहाँ पे हमें क्लिक करना ऑन कॉन्फ़िगर रिसीविंग. तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इट विल आस्क फॉर द पोर्ट नंबर. सो हमें क्या करना है, हमें वहाँ पे पोर्ट नंबर सेट करना है, दैट इज़ अ 997. सो यहाँ पे देखिए राइट साइड पे यहाँ पे दिया है न्यू रिसीविंग पोर्ट, तो यहाँ पे नहीं है तो हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. तो मैं क्लिक करूँगी न्यू रिसीविंग पोर्ट पे. ओके, तो यहाँ पे हमें पोर्ट नंबर मेंशन कर देना है 997. 997 करने के बाद यहाँ पे क्लिक ऑन सेव, तो आपका जो पोर्ट है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा. रिसीवर रिसीव डेटा पोर्ट है वो यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है, ठीक है. नाउ इट्स सेविंग. ओके, इफ़ यू वांट्स टू बी डिसेबल दिस यू कैन डिसेबल फ्रॉम दिस ऑप्शन, एंड अगेन इफ़ यू वांट्स टू इनेबल ये आपका हाईलाइट हो जाएगा एंड आपको यहाँ पे इनेबल करना है. एंड इफ़ यू वांट्स टू बी डिलीट दिस यू कैन जस्ट क्लिक हियर एंड यू कैन डिलीट. Now our next task will be we have to install the universal forwarder in these two forwarder, right. So for that what we have to do, हमें अभी forwarder को install करना पड़ेगा. तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसको download करना है. So forwarder को download करने के लिए हमें क्या करना है, उसकी website पे जब हमने Splunk install किया था, जब हमने login किया है, उन्हीं credential से आपको login लेना है. लॉगिन लेने के बाद आपको क्या करना है, प्रोडक्ट्स पे जाना है. प्रोडक्ट्स पे जाने के बाद आपको जाना है फ्री ट्रायल एंड डाउनलोड्स पे, ठीक है. फ्री ट्रायल्स एंड डाउनलोड्स पे जाएंगे, आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है. तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा यूनिवर्सल फॉरवर्डर का, ठीक है. हमें यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड नाउ, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे. तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं फॉर द डिफरेंट डिफरेंट ओएस के लिए, बट हमें ये इंस्टॉल करना है, मुझे ये लिनक्स पे करना है. आप विंडोज़ पे भी कर सकते हैं, बट हियर आई एम जस्ट कॉन्फ़िगरिंग ऑन लिनक्स मशीन, ठीक है. तो यहाँ पे मैं RPM का करूँगी, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है. तो आपको ये रीडायरेक्ट करा है अनदर पेज पे, और यहाँ पे हमारा एक डाउनलोड स्टार्ट हो गया. उसको आपको कैंसिल करना है, आपको डाउनलोड नहीं करना है. हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे कमांड लाइन के थ्रू. तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ इस ये wget कोड को. आपको जाना है यूनिवर्सल फॉरवर्डर 1, ये मेरा यूनिवर्सल फॉरवर्डर 1 है. लेट मी कॉन चेक अगेन, इट्स 34. ओके, सो सबसे पहले हमें ये wget के थ्रू इंस्टॉल करना है, तो हमें इस wget को इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैं डाल देती हूँ sudo bash, ठीक है. अभी हमें wget इंस्टॉल करना है, उसके लिए कमांड क्या है, yum install wget and it will ask for the confirmation, so you have type here y. So now हमारा first step है wget को install करना, वो यहाँ पे हमारा install हो रहा है. जिस तरीके से हमने Splunk को install किया था उसी तरीके से हमें अभी forwarder को install करना है. ठीक है, सो हमारा जो wget है वो इंस्टॉल हो गया.
अभी हमें यहाँ पे जो कॉपी किया हुआ था, अभी मुझे अपने माउस से सिर्फ राइट क्लिक करना है, तो मेरा जो कंटेंट कॉपी था वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा एंड एंटर। एंड जैसे ही आप एंटर करेंगे, हमारा जो स्प्लंक फॉरवर्डर है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं, ls करके आपका ये फाइल है डाउनलोड जो किया हमने rpm का। अभी हमें इसे इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको डालना है rpm -ivh, ठीक है, ivh, एंड आप s डालेंगे और एंटर कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा इंस्टॉल। ना हो, ये इंस्टॉल हो गया है, अभी इसको मुझे स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा opt के अंदर, स्प्लंक करके बन गया रहेगा फोल्डर, एंड उसके अंदर बिन, उसके अंदर हमें जाना है बिन के अंदर। ना हो, यहाँ पर मुझे ये सर्विस को स्टार्ट करना है स्प्लंक स्टार्ट करके। सॉरी आई डिड वन मिस्टेक। आप यहाँ पे एक्सेप्ट लाइसेंस कमांड भी दे सकते थे। नाउ आई हैव टू जस्ट प्रेस एंटर एंड 100% होने तक हमें ये अभी वेट करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट जब भी हम फॉरवर्डर कॉन्फ़िगर करेंगे तो एक्सेप्ट लाइसेंस वही लिख लेंगे, सो दैट हमारा ये टाइम सेव हो जाए। सो इसको इंस्टॉल करने के बाद फिर हमें डिप्लॉय करना है ये स्प्लंक फॉरवर्डर एज ए क्लाइंट। ठीक है, सो नाउ आपको करना है वाई, एंड इट विल आस्क फॉर द यूज़र नेम जो आपको लॉग इन के लिए लगता है, तो आई यू हैव टू पुट। आफ्टर दैट आपको पासवर्ड सेट करना है, ठीक है, अगेन इट विल आस्क फॉर द रिकन्फर्म द पासवर्ड। हमारा पासवर्ड यहाँ पे हमने सेट कर दिया, पासवर्ड सेट हो गया। अभी हमें इस मशीन को एज ए डिप्लॉय क्लाइंट डिप्लॉय करना है, ठीक है, तो उसके लिए कमांड क्या है, हमें डालना है ./splunk एंड सेट डिप्लॉय, ठीक है, deploy -pol, दिस इज़ द कमांड। नाउ वी हैव टू सेट द डिप्लॉयमेंट सर्वर IP। सो डिप्लॉयमेंट सर्वर IP क्या है हमारा, सो मेरा डिप्लॉयमेंट सर्वर IP है यहाँ पे दिस वन, ठीक है। सो हम जाएंगे यहाँ पे डिप्लॉयमेंट सर्वर का IP करेंगे पेस्ट, एंड यहाँ पे आपको पोर्ट डालना है 8089, ठीक है, एंटर। नाउ इट विल आस्क फॉर द यूज़र नेम एंड द पासवर्ड, ओके। सो यहाँ पे हमारा जो स्प्लंक ये फॉरवर्डर था एज ए क्लाइंट कॉन्फ़िगर कर दिया हमने। अभी हमें इस सर्विस को कर देना है रीस्टार्ट। सेम वे से हमें अनदर जो क्लस्टर है उसे भी कॉन्फ़िगर करना है। सो सेम थिंग, हम जाते हैं अनदर पे, यहाँ पे आपको डाल देना है sudo bash। उसके बाद यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना है yum install wget एंड -y फॉर द कन्फर्मेशन, विलास फॉर द कन्फर्मेशन, ओके। इसको हम तब तक कर लेते हैं मिनिमाइज फॉरवर्ड वन को। ओके, सो नाउ अभी हमें सो जो हमने किया था ये कमांड, इसको अगेन आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है, यही है, ओके। आपको राइट क्लिक कर देना है, आपका पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, एंड इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग। तो ये हमारा डाउनलोड हो गया, अभी हम इसे इंस्टॉल करेंगे। सिंपल सा कमांड है rpm -ivh एंड स्प्लंक, ठीक है, तो ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद अभी हमें जाना है opt स्प्लंक फॉरवर्डर एंड बिन के अंदर। यहाँ पे अभी हमें सर्विस को स्टार्ट कर देना है स्प्लंक स्टार्ट। यहाँ पे अभी हम लिखेंगे accept -license, ठीक है। अभी हमें सेट करना है यूज़र नेम एंड सेम प्रोसेस, सिर्फ वो एंटर का प्रोसेस हमारा यहाँ पे सेव हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा स्प्लंक जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया है। नाउ अभी हमें क्या करना है, अभी इसे एज ए डिप्लॉय करना है क्लाइंट। सो उसके लिए क्या कमांड था हमारा, स्प्लंक सेट डिप्लॉय
हाइफन पोल एंड यहाँ पे आपको देना है स्प्लंक सर्वर का आईपी. दिस इज़ द पब्लिक आईपी एंड यहाँ पे हमें सेट कर देना है पोर्ट दैट इज 8089. ठीक है, ओके फाइन. फिर से वन सेट. ठीक है, सो इट विल आस्क फॉर द यूजर नेम एडमिन एंड द पासवर्ड यू हैव टू सेट. यू हैव टू नाउ कॉन्फ़िगरेशंस आर अपडेट. नाउ अभी हम रीस्टार्ट कर लेंगे. स्प्लंक रीस्टार्ट. ओके, सो इट विल रीस्टार्ट द स्प्लंक. सेम थिंग, लेट्स रीस्टार्ट द स्प्लंक ऑल्सो हियर. सो हियर ऑल्सो वी विल सॉरी, वाई आई एम पुटिंग द रीस्टार्ट फर्स्ट. स्प्लंक रीस्टार्ट. ओके, सो हियर ऑल्सो ये जो मेन सर्वर है उसको भी हम रीस्टार्ट करेंगे एंड वी विल सी हाउ द क्लाइंट्स आर एडेड इन टू द सर्वर. ओके, हमारा स्प्लंक यहाँ पे हो गया है रीस्टार्ट. अभी हम कर लेते हैं यहाँ पे लॉगिन. लॉगिन करने के बाद अभी हमें जाना है सेटिंग्स पे एंड टू चेक वेदर द क्लस्टर्स आर एडेड. तो हमें जाना है फॉरवर्डर मैनेजमेंट पे एंड यू कैन सी हियर हमारा एक क्लाइंट यहाँ पे ऐड हो चुका है एंड अनदर क्लाइंट ऐड नहीं हुआ है. व्हाई? सो इट विल टेक अ टाइम टू रिफ्लेक्ट हियर. ओके, नाउ यू कैन सी आर टू क्लाइंट्स आर एडेड हियर. राइट, सो दिस वे वी कैन जस्ट ऐड फॉरवर्डर cluster, we can deploy a forwarder cluster. Okay.